दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर में आपको लॉन्ग में मिल सकता है मेरे भाई, जिसका नाम है मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। सरल भाषा में कहते हैं चल कुंडली धारा मापी है ये, सर ठीक है। धारा को नापने में या आवेश को नापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे भाई, ठीक है। बहुत ही आसान होता है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई। लॉन्ग में आएगा तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, आसान है इस बात की गारंटी है। चलिए सर शुरू करते हैं, ध्यान से सब लोग समझो। चल कुंडली प्रक्षेप धारा मापी कहते हैं। शेप तो आप समझते होंगे सर, आपने 11th में पढ़ा होगा कि बकर की स्थिति जब आती है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने समझ रखी हैं, लेकिन बहुत आसान है, सुनो कैसे। यह स्पेशली डिजाइंड गैल्वेनोमीटर होता है, यानी स्पेशल टाइप से इसे डिजाइन करा जाता है। इसके द्वारा पास होने वाले चार्ज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने आपसे कहा कि किस तरीके से आवेश वगैरह इससे कितना पास हो रहा है उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, नापेंगे। देखो भैया क्या होता, सुनो सबसे पहले क्या भैया, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको लिखना पड़ेगा। इसमें क्या भाई, देखो ये अपने पास क्या है, जो फ्रेम टाइप दिखाई दे रहा है ये एक क्वाइल कह लो, ठीक है। इसके अंदर एक कोर रखी हुई है, कोर समझते हो जैसे तुम लोग क्रोड कहा करते थे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक मिरर शीशा लगा हुआ है। उसके अलावा ये क्या फॉस्फर ब्रांच का एक तार है, और वह यहाँ ऊपर जो है टॉर्शन हेड यानी मरोड़ टोपी टाइप कह सकते हैं, कैप टाइप है। और ये क्या है, ये चुंबक के ध्रुव है, एन और एस यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, जिनके बीच में ये कुंडली जो है मूव करेगी, यानी कुंडली को लटकाया गया। कुंडली मतलब क्वाइल, एक ही बात है, जो बनाया है वही लिखेंगे। ये स्प्रिंग एक नीचे है जो भैया इसकी जितनी भी दिक्कतें होंगी उन्हें सॉल्व करेगा, यानी अगर लग रहा है कि चीजें कम हो रही हैं बढ़ रही हैं तो स्प्रिंग उसे मेंटेन कर दिया करेगा, जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा उसे। टॉर्क क्या होता है सर जी, टॉर्क मतलब ऐसा बल होता है जो किसी चीज को उसकी एक्सिस के चारों तरफ घुमा देता है। तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करेगा कि अगर भाई घूमने घामने में कोई दिक्कत हो रही, सरल भाषा में कहें तो ये उसे मैनेज कर देगा। अब देखना भाई, ये बीच में क्रोड काहे के लिए रख देंगे, ताकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो और ज्यादा बढ़ जाए, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए बीच में क्रोड रख देंगे। बहुत आसान है, सुनो। इसमें कॉपर वायर से बनी हुई क्वाइल होती है। क्वाइल समझते हो, जब कभी भी एक बार तार लपेटते हैं उसे कहते हैं लूप, और बहुत बार तार लपेटते हैं तो उसे कहते हैं कुंडली यानी क्वाइल मेरे भाई। तो कॉपर के तार लपेटो, बना लो मेरे भाई क्वाइल, जो कि नॉन कंडक्टिंग फ्रेम पर बांधकर बनाई जाती है, यानी कोई कुचालक फ्रेम ले लिया उसके ऊपर तार को हम लोगों ने लपेट दिया और बन गई है क्वाइल। का प्रयोग करते हैं, यह परमानेंट मैग्नेट के पोल्स के बीच में फास्फर ब्रांच स्ट्रिप के द्वारा लटकी रहती, वही बना रखा है कि भैया जो एक मैग्नेट है उसके बीच में जो तार है फास्फर ब्रांच का, उसके द्वारा इसे लटका दिया जाता है, जैसे अभी डायग्राम में आपको दिखाया। मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने के लिए कॉइल के भीतर आयरन कोर रख देते हैं। अभी हमने आपको बताया कि उसके अंदर आयरन यानी लोहे की क्रोड क्यों रखी है, ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाए मेरे भाई, ठीक है। कॉइल का लोअर पोर्शन स्प्रिंग से कनेक्ट रहता है, यह स्प्रिंग कॉइल को रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। अभी हमने आपको बताया कि भैया स्प्रिंग से नीचे क्यों बांध रखा, ताकि उसे रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो मिलता रहे, वो घूमती रहे कुंडली, वापस भी आती रहे, ठीक है। अब कैसे काम करेगा, बहुत आसान है। जब चार्ज गैल्वेनोमीटर से पास होता है, जैसे ही चार्ज इसके अंदर से पास होगा, क्वाइल जो है मूव करना शुरू कर देती, कुंडली जो है मूवने मतलब घूमने लगती है। इस क्वाइल में प्रोवाइड मोमेंटम कह लो या उसी को इंपल्स कह लो, चार्जेस पर डिपेंड करता है, यानी चार्ज जितना ज्यादा होगा मोमेंटम उतना ज्यादा होगा, चार्ज कम तो मोमेंटम भी कम। एक्यूरेट रीडिंग के लिए हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्वाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ऑसिलेशन बढ़ जाते हैं और एक्यूरेट रीडिंग प्राप्त होती है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझते हो, जड़त्व गुण आई बराबर एम आर स्क्वायर, दूरी बढ़ा दो मेरे भाई, आर का मान बढ़ेगा आई का मान बढ़ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ज्यादा होगा तो अंधाधुंध वाइब्रे कंपन होंगे मेरे भाई, ठीक है। जितने ज्यादा मेरे भाई ऑसिलेशन होंगे, कंपन मत कहो, ऑसिलेशंस को दोलन कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। जितने ज्यादा दोलन होंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग हम लोग निकाल पाएंगे मेरे भाई। तो कितना आसान है, सबसे पहले आपको क्या दिखाया भाई, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे कि भैया एक कॉपर की कॉइल लेते हैं, कॉपर की कॉइल कैसे बनाएंगे, कॉपर के फेरे लपेट के बनाते हैं, जिसे जो इंसुलेटिंग यानी नॉन कंडक्टिंग फ्रेम होगा उसके ऊपर लपेट कर बनाते हैं, उसके अंदर आयरन की कोर रख देते हैं, ये क्या करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा देगी। एक मिरर लगा देते हैं भैया, फास्फर ब्रांच का तार लेते हैं उससे इसे लटका देते हैं, इधर-उधर मैग्नेटिक जो चुंबक है उसके ध्रुवों के बीच में, उसके पोल्स के बीच में से रख देते हैं, नीचे स्प्रिंग कनेक्ट कर देते हैं, ताकि ये क्या करे बताओ, इसलिए कनेक्ट कर देते हैं ताकि भैया जो रीस्टोरिंग टॉर्क इसे मिलता रहे, ये आसानी से घूम पाए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद क्या होता बताओ, वर्किंग होती, वर्किंग क्या, चार्ज इससे पास होगा, मूव करना शुरू कर देगी, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा इसका मोमेंटम यानी इंपल्स बढ़ता जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा वाली क्वाइल लेंगे, ताकि हम लोग सारे के सारे ऑसिलेशंस को कैलकुलेट कर सके मेरे भाई। फिर इसकी थ्योरी, थ्योरी में थोड़ा सा लंबा है लेकिन टेंशन नहीं लेनी, सुनो। माना रेक्टेंगुलर क्वाइल जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, इसकी लेंथ एल है और ब्रेथ जो है बी यानी
यानी लंबाई इसकी एल है और चौड़ाई जो है बी है। लो मेरे भाई इस तरीके से आप देख लो कि ये जो कॉइल इसकी लंबाई कितनी है एल है और चौड़ाई कितनी है मेरे भाई बी है। तो सबको पता आयत के लिए भैया क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्या लिख दिया इसलिए एरिया ऑफ द कॉइल, कॉइल का एरिया कितना हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एल इंटू वी, ये एरिया हो जाएगा। जब इस कॉइल में करंट पास होती है तब इस पर टॉर्क एक्ट होगा। भाई सीधी सी बात हमने आपको क्या बताया, जब भी कोई चीज एक्सिस के चारों तरफ घूमेगी यानी जो इसका तार है वो इसकी एक्सिस है, तो जब भी पंखा घूम रहा है टॉर्क उत्पन्न हो रहा है भाई उसमें, पृथ्वी अपनी एक्सिस में घूम रही टॉर्क उत्पन्न, टॉर्क मतलब बलागुण भाई, वह बल जो किसी वस्तु को उसकी एक्सिस के चारों तरफ घुमा देता है उसे बलागुण कहते हैं। तो इस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा टाऊ बराबर एनआईबीए, 12th में हम लोगों ने इसका प्रूवमेंट भी करा हुआ है, टाऊ बराबर एनआईबीए मेरे भाई इसका क्या क्या इस पे काम करेगा बताइए, इस पे टॉर्क एक्ट करने लगेगा। यदि करंट फ्लो वेरी शॉर्ट डायरेक्शन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो तब डीटी के लिए हो तब क्या करेंगे मेरे भाई, अगर टाइम बहुत कम हो बहुत छोटा टाइम हो तो दोनों तरफ हमने डीटी से भैया मल्टीप्लाई कर दिया। डीटी क्या है, डीटी वो शॉर्ट टाइम है जिसके लिए हमने धारा को प्रवाहित करवाया करंट का फ्लो करवाया। यदि करंट टी सेकंड के लिए पास हो, अगर मतलब कैपिटल टी के लिए हो सभी लोग मायद वाले हैं तो क्या करेंगे भैया इंटीग्रेशन कर देते, छोटे के लिए हमें पता है बड़े के लिए निकालना तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जीरो से टी हमने लिमिट लगाई इंटीग्रेशन कर दिया, कांस्टेंट बाहर आ गया, यहां पे आई डीटी आ गया मेरे भाई, ध्यान से समझना एन ऐसे आया बी ऐसे आया ए ऐसे आया, आई तो आई है जब इंटीग्रेशन होगा तो टी हो जाएगा और क्यू बराबर आई टी होता तो ये पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा क्यू बन जाएगा भाई। तो ये आ गया एन बी ए और यहां पे क्या आ गया क्यू आ गया मेरे भाई। अब हमने यहां पे लिख दिया आपको भैया जे बराबर होता टाउ इंटू टी, ध्यान से देखना टाउ इंटू टी, तो ये बन जाएगा जे का मान, जे क्या है जे है एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग, तो ये जे बन गया भाई। सरल भाषा में कहें जे बराबर आ गया एन बी ए क्यू, ये जे का मान आ गया भाई ठीक है। यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये हमने छोटे क्लास में पढ़ रखा है जे बराबर आई ओमेगा होता है, 11th में पढ़ा हुआ है जे बराबर आई ओमेगा और हमने प्रूव करा है जे बराबर एन बी ए क्यू, दोनों जे के मान है दोनों को भाई बराबर कर देंगे। तो हमने इक्वेशन 4-5 को बराबर कर दिया, आई ओमेगा बराबर आ गया किसके एन बी ए क्यू के बराबर आ गया। जब यहां तक पहुंच गया तो हमने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी के कॉइल को एंगल थीटा डिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कितना घूम गई वो कुंडली थीटा घूम गई मान लिया, और डिफ्लेक्शन स्प्रिंग के थ्रू रिस्टोर हो जाता है। फिर वही बात है जितना वो घूमेगी तो स्प्रिंग लगी हुई स्प्रिंग उसे फिर वापस लाएगी, ऐसे करके घूमती रहेगी वो घूमती रहेगी वापस आएगी घूमती रहेगी वापस आ जाएगी, तब क्या होगा तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है जो स्प्रिंग की वजह से लग रहा है वो होगा हाफ सी थीटा स्क्वायर, थीटा घूमी थीटा वापस आ गई थीटा घूमी थीटा वापस आ गई। सी क्या होता है मेरे भाई, सी को कहते हैं टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, यानी कितना वो घूम रही है उसके लिए जो नियतांक है उसे सी से लिखते हैं, और काइनेटिक एनर्जी कितनी लगा रहे हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हमने 11th में पढ़ रखा है मेरे भाई ध्यान से सुनो, काइनेटिक एनर्जी लगा रहे हैं तो वो सीधे घूम रही है, स्प्रिंग क्या कर रहा है रीस्टोर कर रहा है उसके टॉर्क को वापस लेके आ रहा है, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी है और इतना ही रीस्टोरिंग टॉर्क, अगर वो सही से घूम रही तो इन दोनों का मान भैया क्या होगा बराबर होगा, अरे जितनी जितना वो घूम के जा रही उतना स्प्रिंग फिर वापस ले आ रही फिर जा रही फिर वापस ले आ रही फिर जा रही, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, तो सी थीटा स्क्वायर बराबर क्या आ गया आई ओमेगा स्क्वायर मेरे भाई ठीक है। द पीरियोडिक ऑसिलेशंस ऑफ द कॉइल इज, यानी कॉइल के लिए जो पीरियोडिक समझते हो आवर्त काल बोलते हैं हिंदी में, तो आवर्त काल का फॉर्मूला क्या होता है टी बराबर 2π अंडर रूट आई अपॉन सी होता है, टी बराबर 2π अंडर रूट आई अपॉन सी स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4π आई अपॉन सी, टी स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर नीचे ले आए बराबर क्या हो जाएगा आई अपॉन सी हो जाएगा, सी को इधर ले आए यहां से आई का मान निकाल लिया और इसकी गुणा कर दी हमने किससे 7th इक्वेशन, जरा देखो भैया क्वेश्चन नंबर 7 ये चल रही है, क्या क्वेश्चन नंबर 7 है सी थीटा स्क्वायर बराबर आई ओमेगा स्क्वायर, सी थीटा स्क्वायर बराबर आई ओमेगा स्क्वायर गुणा कर दी, सी गुणा हुई सी स्क्वायर हो गया थीटा स्क्वायर आ गया बराबर आई ओमेगा स्क्वायर, यहां एक आई पहले तो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दिए स्क्वायर स्क्वायर हट गए अंडर रूट का मतलब क्या 4 का 2 हो गया बाकी तो सारे स्क्वायर थे हटा दिया आई ओमेगा का मान आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 है और जो अपनी क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी क्या है बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चल रहा आई ओमेगा का मान एन बी ए क्यू, तो हमने इसकी जगह पे मान रख दिया आई ओमेगा की जगह क्या रख दिया एन बी ए क्यू मान रख दिया, बात खत्म भैया हो गया काम, यहां से क्यू का मान निकाल लिया सी टी थीटा बटे में एन बी ए 2π जिसमें से भैया हमने केवल थीटा को रहने दिया बाकी सी टी बटे एन बी ए 2π सबको एक नियतांक मान लिया के, यानी फाइनल आ गया क्यू बराबर के थीटा जहां पे के इज द कांस्टेंट ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ये क्या है भैया बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का नियतांक है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बिल्कुल आसान लगा होगा समझ में आ गया होगा क्या किया भैया, एक हमने केवल
क्वाइल ले रखी है जिसे मूव कराना भैया मैग्नेट के बीच में, उसे रीस्टोर करने के लिए एक स्प्रिंग लगा रखी है, उसके बाद कुछ भी नहीं है इस पूरे डेरिवेशन में। आराम से अगर आप इसे देखोगे तो ऐसे चुटकियों में मेरे भाई कर लोगे। जिसे कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताओ, और जो जो टॉपिक्स आपको जल्दी चाहिए उन पर भी कमेंट करो। फिलहाल तो हम दिवाली वाली अब की हमने ऐसे ही मनाई, कल भी बहुत सारी वीडियो शूट करी, आज भी कर रहे हैं ठीक है, और अभी हमारे पास लगभग 3-4 दिन की ऑफलाइन छुट्टी है, तो बहुत सारा कॉन्टेंट आपके लिए लेके आ रहा है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। दोबारा से एक्टिव हो गए सर, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, कोर्स में देख रहे हो बहुत अच्छी बात है, यहीं पे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हो भाई तो आपको टेलीग्राम पे इसके नोट्स मिल जाएंगे, BDKTN BSC जाके सर्च कर लेना। बस दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इतना सारा प्यार आप लोग दे रहे हो, 5,000+ फॉलोअर्स हो गए हैं, अच्छा लग रहा है, जल्दी से 10,000 भी करवाओ। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।